आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ट्रान वन एंड ट्रान टू की पूरी जानकारी देंगे। और आज आपके लिए खुशखबरी ये है, हमारे स्टूडियो में आए हैं सीए राहुल बजाज जी, जीएसटी एक्सपर्ट। सर, ये जो ट्रान वन एंड ट्रान टू है ना, ये 2017 में तो मुझे याद था कि भैया ये क्या है, इससे क्या होता है, ये कैसे फाइल होता है, लेकिन 5 साल बाद में भूल गया इसे, क्योंकि ट्रान वन ट्रान टू का कोई काम ही नहीं आया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप दोबारा से ट्रान वन ट्रान टू भर सकते हो, ठीक है ना, 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक इन्होंने ये डेट दी है। तो हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर का हमारे को मैसेज आया, कमेंट आई कि भाई ट्रान वन ट्रान टू के बारे में बता दो, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है। अब जो जीएसटी में 2020 में आया, 19 में आया, उसे पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है ट्रान वन ट्रान टू। तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्योंकि मैं तो थोड़ा भूल चुका हूँ इसे। राइट, थैंक्स कपिल सर। सो आज जो हम अपनी डिस्कशन को रखने वाले हैं ना, वो एक लैंडमार्क जजमेंट से शुरू होती है। ठीक, हेल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की एक जजमेंट है, जिन्होंने अपने ये गवर्नमेंट की हरासमेंट्स को लेखते हुए उन्होंने एक SLP फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, कि हम अपने उस ट्रान का बेनिफिट नहीं ले पा रहे जिसकी वैल्यू मेरे बिजनेस के लिए ह्यूज थी। राइट, सो उसको ध्यान में रखते हुए, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को एक ऑर्डर पास करा और एक डिपार्टमेंट को, GSTN को डायरेक्ट करा कि आप इनके ट्रान को ना बल्कि ओपन करके आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी SSCs जो भी इनसे सफ़र कर रहे हैं उन सभी के ट्रान को ओपन करो और उनको एक बार और से रिवीजन का ऑप्शन आपको देना होगा। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा, जो ट्रान वन ट्रान टू होते थे, ये जीएसटी का जो पहला ITC होता था, जीएसटी से पहले जो वैट का ITC हो गया, जो एक्साइज का ITC हो गया, जो सर्विस टैक्स का ITC हो गया, तो उस ITC को लेने के लिए ये फॉर्म बनाए गए थे कि जब आप पुराने लॉ से, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स से नए इनडायरेक्ट टैक्स में जा रहे हो तो हम आपको ITC आपका दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पर लॉ की जानकारी कई लोगों को नहीं थी, कई लोग अच्छे से ट्रान वन ट्रान टू नहीं भर पाए, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला कि भैया टेक्निकल ग्लिचेज की वजह से बहुत सारे लोग ट्रान वन ट्रान टू नहीं फाइल कर पाए थे, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, सिर्फ इस SSC के लिए ट्रान वन ट्रान टू नहीं खोलो, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए ट्रान वन ट्रान टू खोलो, और जो भी व्यक्ति इससे वंचित रह गया है उसे भी एक बार मौका दो कि जिससे वो अपना ITC क्लेम कर पाए। जी सर, हम इस जजमेंट को इसीलिए सर वेलकम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना रिवीजन को रखते हुए, बल्कि जिन्होंने SSCs ने ट्रान अपना फाइल भी नहीं करा था उनको भी एक बार ऑप्शन दे दिया कि आप अपना ट्रान इस फाइल में, इसमें फाइल आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, अब हम जो इसमें न्यू फाइलिंग और रिविजन ऑफ फाइलिंग बोथ कवर्ड है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने हमें 61 डेज का टाइम दिया, जो कि ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी और वन टाइम अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। 1 अक्टूबर से आपका ट्रान ओपन हो चुका है और 30 नवंबर तक आप इस ट्रान को अपने फाइल कर सकते हैं। राइट, अब मैं सर इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की हम जजमेंट को वेलकम जरूर करते हैं, क्योंकि आज से पहले भी कई डिपार्टमेंट्स और कई कोर्ट्स, हमारे लोअर कोर्ट से भी फेवर में, SSCs के फेवर में ऑप्शन, ये केस आया था कि आप ट्रान वन डिपार्टमेंट ओपन करके दे। लाइक चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट ने भी 2 साल पहले डिपार्टमेंट को बोला था, नंबर ऑफ लिस्ट 10-20 कंपनीज थी जिनमें उन्होंने बताया था कि आप इनके ट्रान को ओपन करो, बट डिपार्टमेंट हैज़ डू नथिंग फॉर दिस। कई कंपनियों ने ये करा कि अपने 3B में इनपुट को क्लेम करा और अपना जो भी डिस्प्यूट था वो उनका कंटिन्यू रहा था। Right. तो डिपार्टमेंट ने तब तक कोई भी कभी भी सुनवाई नहीं करी थी, बट इस बार हाँ डिपार्टमेंट ने जरूर इस केस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को लेकर सुनवाई करी है, जिसके लिए उन्होंने ट्रान का ऑप्शन हमें दोबारा से दिया। बट सर इसमें मैं क्वेश्चन एक ये उठाना चाहता हूँ सर, जो पैसा मुझे 5 साल पहले मिलना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल मेरा 5 करोड़ रुपए मेरा ट्रान में फंस गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे कह दिया कि 5 करोड़ आज मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्या उस 5 करोड़ की वैल्यू आज भी मेरे वही सेम 5 करोड़ है क्या? मतलब आप इंटरेस्ट चाह रहे हो? हाँ सर, देखो ये राहुल बजाज जी ना ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है ना। नहीं, कहते हैं ना सर, उंगली पकड़ के पोचा पकड़ रहे हो, ठीक है, पूरा हाथ पकड़ रहे हो, ऐसा मत करो। नहीं सर, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा राइट है कि आप लेने को तो आप 18% और 24% हमसे चार्ज कर रहे हो। हाँ। और जब आप 5 साल बाद उस पैसे को दे रहे हो, इवन मैं 6 या 7% से भी कंपाउंडिंग करूँ तो भी मेरा 1.5 गुना वो पैसा बनता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे अनार पड़ता है वो लेना पड़ता ही नहीं है।
वो जब आता है ना लैट, टीचर उसे कहते हैं ये है ही नहीं कोई वर्ड, तो वो दे से देना पड़ता है, ठीक है, मतलब देना नहीं पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है ना, तो ये चीज समझ लेना। बट ऐसा एक और किसी भी जो भी बड़े एसएससीज हैं जिन बड़ी अमाउंट है, उनको एक और एसएलपी क्यों ना इंटरेस्ट के लिए भी फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी मेरा राइट है, 6% इवन मिले, बट 5 साल के अंदर मुझे उसका इंटरेस्ट भी मेरा चार्ज होना चाहिए। तो भाई राहुल बजाज जी का कहना यह है कि ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करके पहले तो तुम अपना आईटीसी क्लेम कर लो, राइट, ठीक है, जितना आईटीसी आपका बनता है, और उसके बाद एक एसएलपी और फाइल कर दो कि जिससे कि भाई आप हमें इंटरेस्ट भी दे दो, ठीक है ना। इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी पता नहीं, लेकिन जब इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेती है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वैलिड है या नहीं, कि भाई जब इंटरेस्ट गवर्नमेंट लेती है तो वो उतना ही इंटरेस्ट बना देती है जितना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर किसी व्यक्ति की अभी 5 साल पुरानी कोई डिमांड होगी तो उस पर इंटरेस्ट उतना ही बन जाएगा जितना प्रिंसिपल है, ज्यादा ही बन सकता है, क्योंकि 18% का इंटरेस्ट है। हाँ। तो आप इस चीज को समझना, तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करी, उन्होंने कहा भाई इन्हें ना इनका आईटीसी दे दो, वही गनीमत है, इंटरेस्ट की बाद में देखेंगे। हाँ। और सर इसमें डिपार्टमेंट एक जगह और खेल गया, उन्होंने कहा जैसे हम 5 साल पहले आपको ट्रांस से इनपुट दे रहे थे, जैसे ही आप ट्रान 1 फाइल करोगे डायरेक्ट आपके इनपुट लेजर में वो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ। बट इस बार वैसा नहीं होने वाला, पूरा फ्लो इन्होंने चेंज करा कि आप जब फाइल करोगे देन आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके अपने डिपार्टमेंट, अपनी ज्यूडिकेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, उसे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, देन ही हैज ए राइट कि वो आपका इनपुट आपके क्रेडिट लेजर में फिर ट्रांसफर करे। तो सही खेल गया ना। अब आप ये कह रहे हो कि डिपार्टमेंट इसमें, देखो मैं इसमें डिपार्टमेंट की गलती नहीं करूंगा, होता क्या था ट्रान 1 ट्रान 2 में कई लोगों ने ऐसा भी करा कि उन्होंने 1-1 करोड़ का आईटीसी, 50-50 लाख का आईटीसी डाल दिया, राइट, ठीक है, वो क्रेडिट लेजर में चला गया, बाद में पता चला ये तो मिलना ही नहीं था, बाद में उन्हें नोटिस आ रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही ये चीज बोली कि भाई ऐसा करो जो व्यक्ति ट्रान 1 फाइल कर रहा है उसे फाइल कर लेने दो और फिर वो अपने पेपर लेकर डिपार्टमेंट में चला जाए, फिर वो चेक करा लेगी कितना उसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हालांकि अगर डिपार्टमेंट वाले सही तरीके से चेक कर ले बिना कोई नियत खराब करे तो बात ठीक आ जाएगी, अगर वहां पर भी कुछ झोलमाल हुआ सर, तो यहाँ पर एसएससी को दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है कि हम यहाँ पे दूसरे उन एसएससी की कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, हम यहाँ जेन्युइन एसएससी की बात कर रहे हैं। हाँ। जो अगर डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं तो सबको पता है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, कैसे डिपार्टमेंट करेगा, ये सब जानते हैं। सो इसी चक्कर में एक जगह और ये खेल चुके हैं इस ट्रान में, बट देखो होप सो होगा। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पे मतलब परीक्षा तो सबको ही देनी पड़ती है, ठीक है ना, सीता मैया ने भी दी थी, तो यहाँ पे आईटीसी लेने के लिए तुम्हें भी डॉक्यूमेंट तो चेक कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने अपने फाइलिंग जो प्रोसीजर है उनमें बताया कि हमने ट्रान 1 जो फॉर्म है उसको हमने इजी बनाया, आपके लिए सिंपलर हम उस फॉर्म को कर रहे हैं जी उसमें। और जब भी आप, एक चीज और सर, इसमें जब भी स्टेटस है ना वो सबका स्टेटस नोट फाइल्ड है। अगर आप ऐसे एसएससी हो जिन्होंने ट्रान 1 अपना एक्चुअल में फाइल करा था और उनका जेन्युइन था, उनको इस नोट फाइल्ड स्टेटस को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको कुछ इसमें फाइल करना है ना ही सबमिट करना है, वो इनको एज इट इज ही छोड़ना है। जिनको अमेंड करना है या न्यू फाइलिंग करनी है सिर्फ वही अपना ट्रान ओपन करके अपना फाइल करें, इवन स्टेटस आपका नोट विजिबल भी आ रहा है, नोट फाइल्ड भी आ रहा है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक कॉल आया था, वो मेरे मेरा क्लाइंट कह रहा सर ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ट्रान 1 खोल दिया है, पिछली बार मैंने 5 लाख का आईटीसी लिया था ट्रान 1 से, इस बार करा के 6 लाख का कर दो क्योंकि मेरे में नोट फाइल आ रहा है। मैंने कहा तुझे 5 का मिल गया था ना वो बहुत है, तो भाई जिसे आईटीसी मिल गया और जितना था उतना ही मिल गया, उसे उससे ज्यादा नहीं लेना या उसे ज्यादा नहीं मिलना था, तो वहां पर अगर नोट फाइल भी स्टेटस है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, कोई बात क्योंकि तुमने तो आईटीसी ले लिया, क्रेडिट लेजर में चला गया, तुमने यूज भी कर लिया, तुम पंगा मत लेना, पता चले तुम 10-20-50 हजार का एक्स्ट्रा डालो और चेकिंग में तुम्हारा बाकी भी रिवर्स हो जाए। बट एक चांस ये जिन्होंने गलत भी फाइल करा था उनके लिए भी ये मौका है अपने आप को ठीक करने का, ट्रान 1 गलत गलत वालों के लिए ट्रान ठीक कर सकते हैं, अभी उनके पास मौका है ये वाला ट्रान 1 सही करने, क्योंकि हो सकता है पता चले तुमने गलत आईटीसी ले रखा था ट्रान 1 से, बनता था 1 लाख ले रखा था 2 लाख तो ठीक कर लो, बनता था 4 लाख ले रखा है 2 लाख तो भी ठीक कर लो, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बस यही है सर, जो भी आप ट्रान 1 फाइल करो अपनी पुरानी रिटर्न्स को देख के, अपने ओल्ड स्टॉक को देख के जिनके ऊपर, और कैपिटल गुड्स को देख के आप अपना ट्रान 1 फाइल करना। और एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे ही आप ट्रान 1 ओपन करोगे वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है
कि आपने क्या पिछले 6 महीने की, जब से जीएसटी आया उससे पहले की 6 महीने की रिटर्न फाइल करी थी या नहीं करी थी। राइट, इफ यू सिलेक्टेड यस तो आपके लिए 8 जो इसके टेबल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसको आपको 1-to-1 आपको फाइल करना होता है। अगर आप उसमें नो फिल करते हो सो आपको टेबल नंबर 5 और 8 जो है इनपुट और कैपिटल गुड्स के लिए वो आपका ब्लॉक हो जाता है उसमें। बट ब्लॉक होने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि उसमें कहीं कोई पैने 2017 में जब ट्रान फाइल करा था तब तो कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर दी थी। अगर मैं ब्लॉक करके भी उसको मैं सबमिट कर देता हूँ फॉर्म को और मैंने 2017 में अगर उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा और आपका डिपार्टमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर आपको नहीं देगा। सो ये हमारी एक टेक्निकल गाइडलाइंस थी जो जीएसटीएन ने इशू करी थी, इसमें जो पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और जब भी आप ट्रान वन फाइल करो, उन्होंने कहा ये वन टाइम ऑप्शन है, अगर आप एक बार इसको बिना पढ़े या ध्यान से पढ़ने के बाद सबमिट करते हो सो हम आपको रिवीजन का कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे उसके बाद कभी भी। सो आप प्लीज़ इसको जब भी फिल करो अपना पूरा प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस ट्रान को आप फाइल करो। तो यहाँ पर इस बात को समझना, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जब ट्रान वन ट्रान टू का क्रेडिट मिलता था तो वो कहते थे भाई एग्जिस्टिंग लॉ में रिटर्न फाइल करियो, वहाँ पर तुम्हारा आईटीसी आ रहा हो, ठीक है ना, आपने पिछले 6 महीने की रिटर्न फाइल करी हो, ठीक है ना, तो वो रिटर्न आपकी फाइल होनी जरूरी है। और अगर वो नहीं फाइल होती है जो सर ने ऑप्शन बताया वो करना। और अच्छा कुछ ऐसा मत कर देना कि लेट सपोज आज 12 अक्टूबर है, सर ऐसा करते हैं आज हमने सबमिट कर दिया लेकिन 20 अक्टूबर को पता लगा अरे भाई गलत हो गई और अभी तो 30 नवंबर तक का टाइम है, दोबारा रिवाइज कर देते हैं, ऐसा नहीं कर पाओगे। एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया। सर ये सारी जो हमने FAQs ना इस बार के ना हमने अपने मैगजीन एडिशन में भी दिया है। okay. जो हमारा नवंबर का अक्टूबर का हमारा मैगजीन एडिशन है आप उसे पढ़ेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वो कैसा लगा। हमने उसके अंदर पूरा बजट की जो सारी चीजें थी फाइनेंस एक्ट 2022 की जो एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से वो भी दिया है और साथ में हमने ये ट्रान वन ट्रान टू का भी दिया। और अगर किसी को सैंपल कॉपी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर हम आपको सैंपल कॉपी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, करंट महीने की नहीं देंगे, ठीक है, वो पिछले महीनों की होगी, ठीक है ना। तो आपको अगर हमारी जो सैंपल कॉपी अच्छी लगती है तो फिर आप फाइनल कॉपी भी ले सकते हैं। सर इसमें और कुछ ऐड ऑन करना है? संडे को हम एक और सर बता देते हैं अपनी ऑडियंस को, संडे को एक हम वेबिनार कर रहे हैं इसके लिए छोटा सा जिसमें हमारा ट्रान वन का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम सारी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि आपको किन बेसिस के ऊपर अपने ट्रान वन को फाइल करना है और आप प्रॉपरली जो गाइडेंस नोट है हमारे जीएसटीएन का उसको ध्यान में रख के आपको अपना ट्रान वन कैसे फाइल करना है। तो ये जो संडे को जो हमारा वेबिनार होने वाला है ना ये एक तरीके से थाली है, मिक्स थाली, उसमें ट्रान वन भी बता देंगे सर, आईटीसी कैसे लेना है वो भी बता देंगे, आईटीआर यू कैसे फाइल करनी है वो भी बता देंगे, आईटीआर 6 कैसे फाइल करनी है वो भी बता देंगे, पूरा मिक्सअप करके आपको बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक वेबिनार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके वेबिनार में भी रजिस्ट्रेशन करा ले। जी सर, इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना, ठीक है ना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी।